Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 247, and the topic under discussion is a unified model for decision making and problem solving. When we talk about decision making, we have to be clear what our alternatives and we have to be clear and conscious about the mind processes as well. In mind processes, we talk about analysis, synthesis, and valuing. Therefore, we have a model. जो कि इन तमाम एस्पेक्ट्स को आपस में कोरिलेट करेगा कि हम चीजों को एनालाइज सिंथेसाइज और वैल्यू वो कैसे करते हैं और उसका एसोसिएशन विद डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी वो कैसे डेवलप किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो चीज हमारे पास मौजूद है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को डिफाइन करने से हमारा आधा मसला वहीं पर हो जाएगा बिकॉज प्रॉब्लम वुड कैरी एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम वुड कैरी एक्चुअल आउटकम्स एंड द प्रॉब्लम वुड बी उन दोनों में डिफरेंस क्या है अब चूंकि हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके एनालाइज कर रहे हैं तो दैट इज बेसिकली इन्वॉल्विंग द फंक्शन ऑफ एनालिसिस इसके बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स जनरेटिंग फिजिबल ऑप्शन ऑप्शन में हम डिफरेंट ऑप्शन को कंबाइन करके एक एवेल्यूएशन क्राइटीरिया एक पैरामीटर एक प्रस्पेक्टिव वो डिवेलप करते हैं सो दैट इज बेसिकली इन्वॉल्विंग आवर माइंड फैकल्टी ऑफ सिंथिसाइजिंग थिंग्स उसके बाद उन अल्टरनेटिव में से आपको बेस्ट एंड ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन वो चूज करना है तो आप बेस्ट एंड ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन तभी चूज कर पाओगे व्हेन यू आर यूजिंग द माइंड फैकल्टी ऑफ वैल्यूइंग सो दिस इज हाउ द एनालिसिस इज लिंक्ड विद सिंथेसिस एंड इट इज लिंक्ड विद वैल्यूइंग और यहां पर हमारे सारे माइंड फंक्शन वो इन्वॉल्व कर जाएंगे वेन वी आर देयर टू डिफाइन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द रेलिवेंट सोल्यूशन अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस अपॉन फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम और द नीड फॉर अ डिसीजन सबसे पहले आपको कब पता चला कब अंदाजा हुआ कि अब आपको एक फैसला करने की जरूरत है एंड द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन इज नो मोर बियरेबल सेकेंडली हैव यू डिफाइंड द प्रॉब्लम बिकॉज ये बहुत जरूरी होगा डिसीजन मेकिंग का डिसीजन मेकिंग में एंड और ऑब्जेक्टिव और उनको हमेशा स्मार्ट फैशन में डिफाइन करना चाहिए इन योर ओन वर्ड्स और उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होगा रिमेंबर दैट प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम हाफ सॉल्व एंड दिस इज अंडरस्टैंडेबल फैक्टर द नेक्स्ट थिंग इज आर देयर एनी अदर पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम वर्थ कंसिडरिंग हो सकता है कि किसी पॉइंट को आप मिस कर रहे हो एंड जनरल सोल्यूशन वट डू दे सजेस्ट और आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उसके लिए पॉपुलर जो डिसीजन मेकिंग थी वो क्या माजी में रही हो सकता है कि हमारे पास कोई माजी से प्रेसिडेंट्स जो है वो अवेलेबल हो इसके बाद वी हैव टू सी आर यू क्लियर अबाउट वट यू आर ट्राइंग टू डू वेयर आर यू नाव एंड वेयर डू यू वॉन्ट टू गो सो आपको डायरेक्शन अपनी पता होनी चाहिए बिकॉज इफ यू डोंट नो वेयर टू गो देन एनी रोड विल टेक यू देयर उस सूरत में हमारा डिसीजन ऑप्टिम डिसीजन वो नहीं कहलाएगा

डू यू नो द रेलिवेंट पॉलिसीज रूल्स लिमिटेशन एंड प्रोसीजर्स तो हम एक प्रॉब्लम को हर एंगल से देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे लिए कंक्रीट आउटकम जनरेट वो हो सके द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वेन यू टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम हैव यू रिड्यूस द प्रॉब्लम टू इट सिंपल टर्म्स विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट ताकि एक प्रॉब्लम को हम उसको ब्रेक करके समझ सके उसको हम ब्रेक उसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि जैसे वो प्रॉब्लम हमारे लिए एक अंडरस्टैंडेबल एक परसेप्शन में आने वाली चीज वो बन सके नाउ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद वेन वी टॉक अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम तो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी के हैव यू ऑल योर मेन द सेकेंड पॉइंट वुड बी आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल कोर्सेज और सोल्यूशन हैव यू आइडेंटिफाइड A short list of the feasible ones. The third point would be can you eliminate some of these in order to shorten the list till further? The fourth point can be if no solution or course of action seems right by itself, can you synthesize elements in two or more solutions to create an effective way of dealing with the problem? सीक्वेंस हमारा बिल्कुल उसी तरह ही है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है फिर आपको कोर्स ऑफ सोल्यूशन को देखना है उनको एवेल्युएट करना है एंड वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स द फाइनल डिसीजन जो हमारे लिए इंप्लीमेंट वो होगा सो द फिफ्थ पॉइंट वुड बी हैव यू क्लियरली आइडेंटिफाइड द क्राइटेरिया बाई विच द फिजिबल ऑप्शन मस्ट बी जज्ड उसके बाद हमारे पास द सिक्स पॉइंट वुड बी इफ यू आर स्टिल स्टक कैन यू इमेजिन योर सेल्फ इन द एंड स्टेट वेयर यू वॉन्ट टू बी सो अब हम आउटकम से रिवर्स आकर भी देखना चाहते हैं कि इज इज दैट दैट समथिंग गोइंग टू बी बाय दिस पर्टिकुलर सो सो इफ कैन यू वर्क बैकवर्ड फ्रॉम देयर टू वेयर यू आर नाउ सो ये चीज भी हमें बहुत हेल्प करती है जिस रिवर्स इंजीनियरिंग से हम बेहतर अपने डिसीजन मेकिंग तक पहुंच सकते हैं एंड द सेवन स्टेप वुड बी हैज एनील्स फेस दिस प्रॉब्लम एंड हाउ डिड दे सोल्व इट तो हम President say, Tariq say, trend say, be up conclusions draw, wo kar sakte hain. now, if we have to talk about evaluating the decision and implementing it, there are a few things that we have to understand. The first one is: have you used all the available information? The second checkpoint would be: have you checked your solutions from all angles? The third checkpoint would be: are you clear about the manifest consequences? The next point would be: have you an implementation plan? विद डेट्स और टाइम्स फॉर द कंप्लीशन बिकॉज केड्यूलिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग फिनमिना के अंदर उसके बाद हमें यह भी देखना है कि इज द प्लान रियलिस्टिक एंड वी ऑल्सो नीड टू सी डू वी हैव अ कंटीजेंसी प्लान इफ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट एज एक्सपेक्टेड तो हमारा प्लान बी क्या होगा प्लान सी क्या होगा वट इफ प्लान क्या होंगे अगर हमारा मौजूदा प्लान कोलैप्स कर जाता है तो हमारे पास बैकअप में वो क्या कुछ मौजूद है

अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम से लेकर फैसले तक पहुंचने में डिफरेंट स्टेप्स वो फॉलोअप करने हैं और उन स्टेप्स के अंदर चेकलिस्ट बना लेने से हमें आसानी होगी ये समझने में कि कहीं पर हमने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ वो नज़रअंदाज तो नहीं की अगर नहीं की तो देन वी कैन कम कॉन्फिडेंस कि जिससे हम सही अपने डिसीजंस वो कर सकेंगे थैंक यू